बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की धज्जियां उड़ाते हुए शासन प्रशासन, सुबह 6 बजे से युवा वर्ग एवं वृद्धजन लाइन में खड़े हुए हैं। खुली छत के नीचे खड़े होकर भूखे प्यासे गीले होते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए, परंतु यहाँ की व्यवस्था इस कदर की है कि एक व्यक्ति भी जानकारी देने वाला नहीं है और ना ही इतनी भीड़ को संभालने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि वैक्सीनेशन का यह प्रोग्राम कोई 2, 4 या 6 दिन का नहीं है, इस प्रोग्राम को अनवरत आगे तक चलते रहना है। शासन प्रशासन का यही रवैया रहा तो जो लोग आज वैक्सीनेशन का मन बना चुके हैं वही लोग हतोत्साहित होकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लगभग 3:30 बज चुके हैं पर यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। शासन प्रशासन के माध्यम से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आग्रह किया गया है। MPC24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो चीफ संदीप हिड़ाऊ की रिपोर्ट। जोर से बोल, मैं 10 बजे से यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ और अभी गेट तक आया हूँ, पानी कंटिन्यूस बरस रहा है, खाना खा के नहीं आए हैं। मेरी उम्र 68 साल है, मैं रिटायर कर्मचारी हूँ और कंटिन्यू जितनी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, लोग खड़े हुए हैं, लेडीज खड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। वो बेचारे उम्मीद में कि हमको इंजेक्शन लगेंगे, आखिरी में वो लोग बोल रहे हैं कि अभी इंजेक्शन नहीं है, कभी बीच में बोल दे रहे हैं हमारा लंच टाइम है, आप कह रहे हैं इंजेक्शन लगाने वाले नहीं। जानकारी का अभाव है, जानकारी देने के लिए कोई भी यहाँ बैठा नहीं है, वैसे तो यहाँ जानकारी देने के लिए किसी को बैठालना था,